ऑफिस 2019 जो है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की फीचर्स हैं। इसकी खूबसूरती, इसके अलावा इसकी ट्रेनिंग और इसके अलावा और बहुत से काम ऐसे हैं जो कि 2006 में थे, 2007 में थे और 2019 जो है नया आया है। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का है। तो ये पहली वीडियो है ऑफिस 2019 माइक्रोसॉफ्ट। अब ये देखें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 है, इसको हम जो है इसके जाते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और इसकी जनाब बड़ा करके ना आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको मज़ीद ज़्यादा जो है छोटा करके या किसी अच्छे तरीके से। अब देखें ये भी वैसे ही है तकरीबन, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो ऑफिस है ये नया है, इसमें बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स हैं। एक अच्छी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स का होना जो है, या उसकी बहुत ज़्यादा जो है ग्राफिक्स होना, उसमें राइटिंग भी अच्छी होती है, काम भी अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें फीचर कुछ उससे ज़्यादा हैं। 2007 की जो वीडियो हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, और लेकिन ये 2019 जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। तो इसमें पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम उसको कैसे स्टार्ट करते हैं। ये होम है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास मुख्तलिफ जो है पड़े हुए ऑलरेडी हमारे पास हैं। ये भी तकरीबन वैसा ही है जैसे हमने पहले आपको बताया था। तो ये जो है ये देखें गौर से, तो ये जनाब हमारे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं जिनको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें, ये देखें, तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी पार्ट। अच्छा एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर नया पेज लेंगे तो हमारे पास नया पेज आ जाएगा। मिसाल के तौर पर ये वेकेंट पेज है हमारे पास, ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसके अलावा अगर इस पेज में हम कोई चीज़ ओपन करना चाहें तो ये हमारे पास है जो चीज़ पहले ऑलरेडी बनी। अगर पीसी यानी ये ड्राइव है, ये पीसी है, ये ऐड पहले से ही, और ये ब्रोज है, हम कहाँ से लेना चाहते हैं, किस जगह से लेना चाहते हैं, और ये पीसी अगर इस पीसी में हमारे पास पड़े, ऑलरेडी हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे पड़े हुए हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ पर हैं। हम उनको खोल के दिखाते हैं कि ये देखें 14 हिस्टोरिकल फैक्ट दैट आर कम्प्लीटली फॉल्स। मिसाल के तौर पर ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स ये हमारे पास ऑलरेडी है, तो ये इसमें हम क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इसमें पिक्चरें नहीं हैं, लेकिन वो पिक्चरें लगाने के बाद ही और एक चीज़ की खूबसूरती बनती है। अब इसके अलावा ये देखें, ये भी हमारे पास एक है बोसिना के मतलब, बोसिना हर्ज़गोविना, ये एक कुछ तस्वीरें हैं जो कि उसकी ली हुई हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि तस्वीरों को जो है हम किसी तरह से यहाँ से ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें कुछ तस्वीरें चाहिए और हमने ओपन करनी है, तो हमने ओपन कहाँ से करेंगे, कुछ हमारे पास ये हमारे पास पीसी है। पीसी के अलावा हमारे पास जनाब यहाँ पर जो है फोल्डर है, और इस फोल्डर में जाके ना हम उसको खोलने की कोशिश करेंगे। तो ये डाउनवर्ड भी हमारे पास, डाउनलोड में भी हमारे पास कुछ पड़ी हैं तस्वीरें, उनको भी हम जो है देख सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें भी हमारी कुछ तस्वीरें हैं, ये नेट खोलेंगे, उसके बाद ये न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर के बाद यहाँ पर आएंगे हमारा जनाब ये न्यू फोल्डर है। तो ये तस्वीरें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, अगर हम उनको खोलना चाहें तो खोल के अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एनिमल्स और बर्ड्स की तस्वीरें हैं, तो ये चीज़ें जो हैं मिल सकती हैं आपको, यानी आप यहाँ से भी खोल सकते हैं और उनको डाउनलोड में भी पड़ी हुई हैं। अगर आप देखना चाहें तो डाउनलोड में बहुत सी ऐसी पिक्चरें हैं जिनको आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यानी बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि ये काम जो है वो कहीं भी किया जा सकता है। तो ये प्रोग्राम है। इसके अलावा तस्वीरें जो हैं ये वीडियो भी हमारे पास पड़ी हुई हैं, तो ये डाउनलोड में भी हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं, और इंशाल्लाह वो भी आपको दिखा देंगे कि किस तरह से ये तस्वीरें हैं, ऑल वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि कौन सी फाइल है, पीडीएफ फाइल है, वर्डप्रेस फाइल है, यानी कौन सी फाइल है, किस में पड़ी हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हम इधर से भी उसको करके उसको निकाल सकते हैं, और अगर हम उस
ब्रोज से खोल सकते हैं तो ब्रोज से भी खोल सकते हैं, ये कोई इतना मसला नहीं है कि ब्रोज से हमें नहीं मिलेंगी। ये इसको खोला है हमने, ये पीसी जो है ये इसको भी हमने खोला है, और यहाँ से अगर हम आए तो ये सूरत हाल होती है, फिर न्यू फोल्डर में आए तो ये सूरत हाल, जेपीजी में आए तो ये हमारे पास कुछ इसकी पड़ी हुई हैं तस्वीरें वगैरह, तो वो जेपीजी में हमारे पास अगर कुछ तस्वीरें हैं तो वो भी खोल के आ जाएंगी। रा में भी पड़ी हैं, ग्राफिक में भी पड़ी हैं, ये 300 से 100, ये तकरीबन ये देखें, तो ये चीज़ें जो हैं अगर यहाँ होती तो वो खुल जाती, इसमें कुछ तस्वीरें जो हैं यहाँ नहीं खुल रही, उसकी वजूहत कुछ और हैं क्योंकि वो तस्वीरें इनसे सब मैच नहीं करती। इसके अलावा ये इन्फो है हमारे पास, ये सेव एज वैसे ही है जैसे पहले हम 2007 में करते आए हैं, ठीक है। तो ये बोस्निया हर्ज़गोविना जो है, ये इसकी पूरी पूरी तस्वीरें जहाँ हैं, जहाँ जहाँ लगी हुई हैं वो पड़ी हैं। तो मैं आपको ये तस्वीर, आपको ये तस्वीर अब देखी आपने ना, इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद तस्वीर को फॉर्मेट करते हैं। इस तस्वीर को हम अपने मतलब के लिए बना सकते हैं, यानी ये देखें तस्वीर पड़ी हुई है, तस्वीर को ये बैकग्राउंड भी हम इसका अगर चाहें तो रिमूव कर सकते हैं, ये बैकग्राउंड है हमारे पास, वो चीज़ें पड़ी हैं जो बाकी चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मार्क अगर हमने इस बैकग्राउंड को ख़त्म करना है तो एक्सेस के तौर पर ये देखें, ये देखें। अच्छा, इसके अलावा अगर हम कीप चेंजेस, अब देखें इसमें हम वही रखा है जो हमारे बैकग्राउंड में था, बाकी चीज़ें अगर हम इसको दोबारा, ये देखें, अब देखें टॉप 10 ब्यूटीफुल जो है कौन से पैरेट है, इसी की मैं बात कर रहा था। मतलब जो हमने ना इस पिक्चर को फॉर्मेट करना है, ये पिक्चर को यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हैं, इसकी ये तस्वीर भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, इसका कलर भी ये भी दे सकते हैं। यानी आप देखें करेक्शन, ये आप देख रहे हैं ना कि यहाँ मुख्तलिफ जो है पड़े हुए हैं तस्वीरें हमारे पास, ये तस्वीरें, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर करेंगे तो इस पर आ जाएगा ये। इसके अलावा कलर जो है, कलर को भी आप करेक्शन जो है करेक्शन पे चले गए हम, ये यहाँ भी आ सकता है। इसके अलावा ऐसी तस्वीर भी हम ले सकते हैं और रिमूव बैकग्राउंड भी हम कर सकते हैं, ये देखें। अब इस बैकग्राउंड को रिमूव करना हो तो मार्क एज रिमूव, ये देखें, हम उसी पहली सूरत में अगर इसको लेके आना चाहते हैं तो इस तरह से बन जाएगा। तो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी 2019 पे, इसकी जो बेहतरीन वीडियो, और जैसे इसको स्टार्ट करना है करना है, जैसे इसको तरतीब देना है कहाँ से आगे चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो